अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसे बैठा था फाल्कन को लेके, तो मैंने सोचा कि कुछ बात कर लें, वीडियो बना के व्यूवर्स के या दिखा दें या डाल दें। तो कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है, आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? तो मैंने तो बस जस्ट ऐसे ही मैंने कहा थोड़ी बात कर लें, आप लोगों को फाल्कन भी दिखा दें, थोड़ा कुछ बातचीत कर लें। और आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? तो ये देखें, ये तो फाल्कन आप देख रहे होंगे, देखें। तो मैं ये बता रहा था कि ये फाल्कन है अभी, ये तो पूरा ट्रेन है। मेरा जो प्रोफेशनल है, जो वर्क है, जॉब इसकी है, फाल्कन की। फाल्कन को ट्रेन करना, फिर इसके बाद इनकी रेस। रेस तो आप लोगों को पता होगी, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, कुछ बारे में जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो इनकी रेस भी कराई जाती है, फिर इनसे शिकार भी कराया जाता है। शिकार करने के लिए आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, इसी कंट्री में भी होता है जब हम लोग तालीम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं इनकी। तो उसके बाद फिर जब फुल ट्रेन हो जाते हैं, अभी ये फुल ट्रेन है, आराम से बैठा हुआ, आउट ऑफ कंट्री भी लेके जाते हैं, तो यहाँ भी करते हैं। तो पता नहीं था इनकी फिर रेस होती है, रेस हर साल इनकी रेस होती है। इनको जो है ना एक एक करके छोड़ा जाता है, उसके ऊपर सेंसर लगाया जाता है, टाइम देखा जाता है, जो टाइम कम टाइम में पहुंचता है उस जगह पे, तो उस वो जो नंबर में आता है, फिर उसके पैसे वगैरह मिलते हैं, इनाम मिलता है, कप मिलता है। तो ये है इसकी डिटेल, ये फाल्कन है, देख सकते हैं आप लोग, देखें फाल्कन है। ऐसे मैं इसको ये ट्रेन है, डरता नहीं है क्योंकि ये ट्रेन हो चुका है, इसको आराम आराम से ट्रेन करते हैं हम लोग। और उसके बाद इसके तालीम वगैरह से खाना भी खाया हुआ है तो कर लेते हैं। तो खैर, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था, हमें बता रहा था कि ये मेरी सेकंड जॉब है यूएई में। मैं यूएई में होता हूँ, अलैन में। अलैन एक यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब इमारात। यूएई जो है इसमें एक सिटी है अलैन, अबू धाबी जो सूबा है ना, प्रोवेंस, उसकी एक सिटी है छोटी, इसको बोलते हैं अलैन। जैसे दुबई, अबू धाबी, फजेरा और अजमान, रस अल खैमा, फजेरा हो गए, ऐसे अबू धाबी में एक सिटी है अलैन। तो मैं उस साइड में होता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मतलब वहाँ जॉब करता हूँ, रहना क्या बोलेंगे, जॉब वगैरह, तो जॉब करते हैं। तो मुझे बता रहा था कि ये मेरी सेकंड जॉब है इस वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर तो वीज़ा सिस्टम है, वीज़ा लगाना पड़ता है, आप जहाँ जॉब करेंगे वहाँ आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा, वहाँ पे रहना भी वहीं पे पड़ेगा, राउंड बाउंड। अगर आप किसी लोकल बोलते हैं, यहाँ के अरबी जो होते हैं, अरबी लैंग्वेज वालों को लोकल बोलते हैं, वीज़ा भी उनका लगता, तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। इसको देखिए, ओ देखा आप लोगों ने, ये वापस आ गया हाथ पे। तो मैं बता रहा था, आराम से बैठो यार, यश वाले। तो बता रहा था कि पता नहीं ये था कि यहाँ पर जो आता है ना, मुश्किलात और सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, या जो एजुकेशन है, तो वो तो ईज़िली यहाँ पे मतलब सेटल हो सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है या कोई स्किल नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, ना ही कोई हाई फाई एजुकेशन है, ना ही कोई डिग्री है, तो मतलब कि जो न्यू होता है इसके लिए फिर इनका जो है काम सीखना पड़ता है। काम सीखा, सब्र किया, 2 ईयर्स का वीज़ा एक जगह पे ख़त्म किया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जो 3 मंथ का विज़िट लगता है, विज़िट लगा लिया, न्यू जॉब सर्च की, न्यू जॉब सर्च करने के बाद फिर यहाँ पे जॉब की अगेन वीज़ा लगाया। आराम से बैठो यार। तो वीज़ा लगाया तो सब्र करना पड़ता है, अगर यहाँ पे कोई आता है तो लाजम मुश्किलात और मजबूरियों की वजह से आता है। खुशी से तो जॉब करने पहली बात अपना कंट्री को ही नहीं छोड़ के आएगा। वैसे मैं बताना भूल गया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहने का मतलब ये है, बस इंसान क्या कर सकता है, जितना है जो भी है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिला, जो बने, जो हुआ, नो प्रॉब्लम, खुशी है, ठीक है। तो सब्र करना पड़ता है, चलना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अराउंड अबाउट मुझे होने वाले हैं 2 ईयर्स, भी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। तो
उसके बाद फिर इंसान छुट्टी जाता है तो वीज़ा ख़त्म करने के बाद ही जाता है। वैसे हमारा जो ना वीज़े से कनेक्शन नहीं होता, हम लोग का जो इसका सीज़न है ना, सीज़न इसका होता है विंटर में, मतलब काम जो काम होता है विंटर में, विंटर में हम लोग काम करते हैं, और समर में इनको जो है ना एक जगह में बंद किया दिया जाता है, तो इनको रख दिया जाता है। तो वैसे विंटर में, क्योंकि हमारे जब विंटर में काम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग ईज़िली जो है ना अपनी कंट्री जा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? आना है नीचे, आना है नीचे, बैठने नीचे, बैठने नीचे, बैठने। ये देखें ये देखें, ये बैठना चाहते हैं शायद, ऊपर ऊपर बैठने, बैठो बैठो बैठ जाओ बैठो। ये यहाँ आगे क्यों आ रहे फिर आप? आपकी नियत तो मुझे लग रही है बैठने की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास बैठे रहो, ठीक है, तंग नहीं करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि इनका समर में यानी सर्दियों में इनका काम होता है, गर्मियों में नहीं होता है। गर्मियों में ये अपने पर जो होते हैं, रीश बोलते हैं, ये पर वगैरह निकालते हैं। तो कहाँ जाना है? बैठना है, क्या चाहिए आपको? बैठ जाओ, देखो 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 देखिए, कहाँ जाना है आपको? बैठना है, क्या ही रहता है, मुझे वीडियो बना दो कि नहीं? कहाँ जाना है, क्या चाह रहे हो? सर पे बैठना है मेरे, सर पे बैठना है, सर पे बैठना है, नहीं तो फिर नीचे बैठो, यहाँ बैठना तो यहाँ बैठो, बैठने बैठो 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 बैठो, नहीं बैठना मर्जी है, फिर यहीं बैठो मेरे पास, मुझे वीडियो बनाने दो यार। तो मैं बता रहा था कि सर्दियों में काम होता है, गर्मियों में नहीं होता। तो गर्मियों में अगर जैसे मार्च मार्च में काम ख़त्म हो जाता है, रेस जो चल रही होती है रेस भी ख़त्म हो जाती है, और क्योंकि गर्मी में नहीं कह सकते, इनको एसी की ज़रूरत होती है, सर्दियों में ये रह सकते हैं। तो इसलिए मेरा काम जो है ना सर्दियों में होता है, गर्मियों में इतना नहीं होता। तो खैर जो भी आता है वो यहाँ रहे, एजुकेशन वगैरह हैं वो तो अपने उनके अलग ही है, जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ तो वो तो बर्दाश्त करेंगे रहेंगे। तो बस मैं सोचा थोड़ी आप लोगों से बात वगैरह कर लें, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और आप सब कैसे हैं? जो अगर मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, एंड चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।